अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को दिल्ली की अदालत में ईडी ने पेश किया, जहां से कोर्ट ने 6 दिन की और रिमांड पर शाह को ईडी को सौंप दिया। शाह ने कोर्ट में जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। कोर्ट में ईडी के वकील के शब्बीर शाह से भारत माता की जय के नारे लगाने की मांग पर सुनवाई कर रहे जज ने फटकार लगाई। ईडी के वकील को कोर्ट ने कहा कि ये टीवी का स्टूडियो नहीं है। कर्नाटक के मंत्री शिव कुमार के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। मंत्री के दिल्ली के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई, जहां से इनकम टैक्स विभाग ने 8 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किया। नई दिल्ली टीसीपी ट्रैफिक ऑफिस में दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल कमांडो ने खुदकुशी की कोशिश की। कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। कांस्टेबल को गंभीर हालत में आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। गाजियाबाद की थाना साहिबाबाद में बोरी में लाश मिलने से सनसनी फैली। कई दिनों पुरानी है लाश। शव की सड़ जाने की वजह से पुलिस को शिनाख्त करने में हो रही है काफी परेशानी। दिल्ली के भारत नगर में नशे और रफ्तार का दिखा कॉकटेल। नशे में धुत कार सवार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद बेकाबू कार एक फुटपाथ पर चढ़ा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। रोहिणी सेक्टर 22 में रहने वाली एक महिला थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई। उसकी 12 साल की बच्ची रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। परिजनों ने सीसीटीवी के आधार पर दो लड़कों पर किडनैपिंग का आरोप लगाया। चोटी कटने से दिल्ली से यूपी और एमपी तक दहशत है। दिल्ली के मायापुरी में माँ और 3 बेटियों की कटी चोटी। पांडव नगर में सड़क पर चलते हुए महिला की चोटी कटी। घटना से दोनों परिवार दहशत में। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में भी एक महिला की चोटी काट दी गई। महिला का मानना है कि कोई बाबा घर में आया था, जिसके बाद वो अचानक बेहोश हो गई। जब उठी तो उसे पता चला कि उसकी चोटी कट गई थी। दिल्ली सरकार के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आंकड़ों पर उठे सवाल। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से होने वाली मौत के आंकड़े दिए गलत। डेंगू मलेरिया से मौत के आंकड़ों में भी सरकारी दावे को झुठलाया। गाजियाबाद हज हाउस मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता से मिलने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर डासना जेल पहुंचे, जिसके बाद जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां पर उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। काफी नोकझोंक के बाद उन्हें एंट्री दी गई। राज बब्बर जब डीएम से मिलने पहुंचे तो डीएम ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिसके बाद राज बब्बर भड़क गए और मामले को राज्यसभा में उठाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि सूचना के बाद भी डीएम ने मुलाकात नहीं की, इसके लिए उन्हें 1 नहीं 3 प्रमोशन दिया जाना चाहिए। 24 अप्रैल को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर अपनी ही बीजेपी की कार्यकर्ता ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। परिवार वालों का कहना है कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष अनुपम पांडे राजेंद्र पवार को उठाकर अपने ऑफिस ले गया और वहां उसकी डंडों से पिटाई कर दी। अकाली दल की सदस्यों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा देने, देश और विदेश में हो रहे लगातार नस्ली हमले, जम्मू कश्मीर में सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस, तो पंजाब में बढ़ रही गैंगवार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। राजधानी दिल्ली में बड़ा बाढ़ का खतरा। यमुना खतरे के निशान के ऊपर पहुंची। यमुना खादर इलाके को प्रशासन ने खाली कराया। प्रशासन ने अलर्ट पर रहने की दी हिदायत।